हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है कपिल भट्ट क्यूब, जहां मैं आप लोगों के लिए क्यूब से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज मैं जो वीडियोस लेकर आया हूं वो है कि कैसे हम 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, 7 सेकंड में क्यूब को सॉल्व करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मुझे हमेशा की तरह कि यार ये बताओ F12 क्या होती है, फ्रेडरिक मेथड क्या होती है, सीफोप क्या होती है। तो आज मैं उसी के ऊपर से कुछ वीडियोज़ लेकर आया हूँ कि मोटा मोटा आपको पता चल जाए कि सीफोप क्या होती है। वैसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि सीफोप क्या होती है, F12 क्या होती है, सारी वीडियो के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। मगर उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाइए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ साथ दबा दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे 5 या 6 सेकेंड में क्यूब को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने इंस्पेक्शन कर लिया और अब लेट्स स्टार्ट। और यहाँ इस तरह आप भी बना सकते हैं, चौंकने की जरूरत नहीं है कि बहुत जल्दी बन गया है या फिर ये कैसे बन गया है। मैं आपको पूरा पूरा बताता जाऊँगा किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह कुछ बेसिक नोटेशन, इसे आप जरा देख लें अच्छे से। ओके, तो राइट लेयर को हम शो करते हैं R से, लेफ्ट लेयर को L से, अपर लेयर को U से, डाउन लेयर को D से, फ्रंट लेयर को F से, बैक लेयर को B से, मिडिल लेयर आप जानते हैं हमारे राइट और लेफ्ट के जो मिड में होगी, मतलब ये वाली, वो क्या होगी, हमारी मिडिल लेयर होगी, सेंटर लेयर। अपर लेयर और डाउन लेयर के मिड में जो होगी, सेंटर में जो होगी, वो होगी हमारी सेंटर लेयर यानी कि C। और फ्रंट और बैक के जो मिड में, ये जो मैं रोटेट कर रहा हूँ जो मिड में, उसका नाम है ई लेयर। तो ये हमारे कुछ बेसिक नोटेशन होते हैं। इसी तरह हमारे कुछ बेसिक साइंस भी होते हैं। तो देखिए बेसिक साइंस क्या कह रहा है, राइट लेफ्ट और मिडिल लेयर के केस में अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो को यूज करना, अपर डाउन और सेंटर लेयर के केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो को यूज करना है, ये फॉरवर्ड दिस इज बैकवर्ड, फ्रंट बैक और ई लेयर के केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरो को यूज करना है। तो आज कुछ नया है आप लोगों के लिए मेरे पास। अभी तक आप खुद ही अपने हाथों से स्क्रैम्बल करते थे, मगर रुकिए, अपने हाथों से स्क्रैम्बल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरह क्यूब को सॉल्व करने की एल्गोज होती हैं उसी तरह उसे स्क्रैम्बल करने की भी एल्गो होती है। तो सबसे पहले आज हम जो सीखेंगे वो होता है कि कैसे हम क्यूब को स्क्रैम्बल करें, क्या है स्क्रैम्बल करने की ट्रिक और एल्गो। तो आप इस एल्गो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको स्क्रैम्बल करके क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। तो चलिए, ये पहले से क्यूब सॉल्व है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इस क्यूब पर ये एल्गो अप्लाई करूंगा, उसके बाद ये स्क्रैम्बल हो जाएगा और फिर इस पे एल्गो अप्लाई करूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा 5-6 सेकंड में। मगर वो जो एल्गो मैं अप्लाई करूंगा वो होगी फ्रेडरिक मेथड की, सीफोप मेथड की और F12 मेथड की, जो आप लोगों की डिमांड और रिक्वायरमेंट है कि F12 क्या होती है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्यूब के स्क्रैम्बल करता हूँ इस ट्रिक से। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डाउन डी को फॉरवर्ड एरो के साथ यूज करना, ये हमारी डी लेयर है डाउन, इसको मैंने यूज किया फॉरवर्ड। एल को दो बार ऊपर करना है, एल यहाँ लेफ्ट, एल को दो बार मैंने ऊपर किया। आर को दो बार नीचे करना है, आर मेरी राइट लेयर, राइट को मैंने दो बार नीचे किया, 1 2। यू को एक बार पीछे करना है, यू को मैंने पीछे किया। अब फिर एल को दो बार नीचे करना है, एल को दो बार ऊपर करो नीचे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू को दो बार आगे कर दो, यू को भी दो बार आगे कर दिया मैंने। आर को दो बार ऊपर कर दो, आर को दो बार ऊपर किया मैंने। यू को एक बार पीछे कर दो, यू को पीछे कर दिया मैंने। एल को दो बार ऊपर कर दो, एल को दो बार ऊपर कर दिया मैंने। यू को एक बार आगे बढ़ा दो, यू को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब ये कह रहा है बैक को दो बार क्लॉकवाइज घुमा दो। तो ये देखिए, ये क्या है हमारी, ये हमारी बैक लेयर है। तो इस बैक लेयर को दो बार मैंने रोटेट किया, एक बार और ये दो बार। ओके, अब वो कह रहा है यू को दो बार आगे बढ़ा दो, ये यू लेयर है मेरी, इसको दो बार आगे बढ़ाऊंगा मैं, 1 2। ठीक है, अब वो कह रहा है एफ को एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ये एफ लेयर है, एफ बोले तो फ्रंट, फ्रंट को एक बार मैं क्या करूंगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दी। अब वो कह रहा है एल को एक बार ऊपर कर दो, एल हमारी लेफ्ट, इससे मैंने एक बार ऊपर कर दिया। अब वो कह रहा है आर को दो बार नीचे कर दो, एक बार नीचे किया मैंने और ये दो बार नीचे किया मैंने। ठीक है, अब वो कह रहा है डाउन को, डाउन लेयर को एक बार आगे बढ़ा दो, ये डाउन लेयर, इसे मैंने एक बार आगे बढ़ा दिया। अब वो कह रहा है यू को दो बार आगे बढ़ा दो, ये यू लेयर है मेरी, इसे फिर दो बार आगे बढ़ा देता हूँ मैं। अब वो कह रहा है कि बैक को एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाओ, बैक को एक बार
क्लॉकवाइज घुमाओ, ये एक बार मैंने क्लॉकवाइज घुमाया। अब वो कह रहा है आर को नीचे करो, ये आर को मैंने नीचे किया। अब वो कह रहा है डाउन को पीछे करो, डाउन को पीछे कर दिया। अब वो कह रहा है फाइनली सेकेंड लास्ट जो अपना है कि आर को दो बार नीचे करो, आर को दो बार नीचे किया मैंने, और डाउन को दो बार आगे या पीछे कहीं पर भी घुमा दो, दो बार कोई भी चीज़ हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने दो बार घुमा दी। तो इस तरह हमारा ये जो क्यूब है स्क्रैम्बल हो चुका है, ठीक है। तो अब स्क्रैम्बल करने के बाद इसे हमें सॉल्व करना है, ये स्क्रैम्बल हमने कर चुके हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे, जब हम एक बार, एक मिनट रुकिए, जब हम इस एल्गो से एक बार क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेंगे तो हमारे फ्रंट पर हमें कुछ ऐसी लाइन दिखेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं फ्रंट पर एक लाइन दिख रही है व्हाइट कलर से, और टॉप लेयर पर एक इस तरह का एल शो होगा, और जस्ट बैक लेयर को अगर आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन दिखेगी। अगर आपको ये वाली लाइन, ये एल और ये लाइन मिल रही है, मतलब आपने एल्गो को सही अप्लाई किया है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है चलिए वो देख लेते हैं। ये तो हमारा स्क्रैम्बल हो चुका है, अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए वो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो अपने को क्यूब को, ये जो लाइन है, इस कंडीशन को हटाकर इस वाले को हमें क्या बनाना है, अपना फ्रंट, क्या बनाना है इसे फ्रंट, क्यों बनाना वही बता देता हूँ। ये देखिए ये कौन सा येलो का सेंटर है और उसके साथ अपना ग्रीन वाला मिला हुआ, हमारा कौन सा सेंटर है, ये ग्रीन सेंटर है। तो मुझे इसको रोटेट करूंगा तो ये देखिए मिल रहा है आपस में, मतलब मुझे सबसे पहले क्या करना है, प्लस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लस बनाना है। इसी तरह मैं क्या करूंगा, सब इस लाइन को मैंने अपने डाउन भी कर लिया, इसे मैंने फ्रंट बना लिया, और इसे अब मैंने कर बना लिया अपना अपर या टॉप लेयर, ठीक है। सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, इसे घुमाकर यहाँ लेकर आया मैं, ठीक, ये घुमाकर मैं लेकर आया, ये मेरा हाफ प्लस बना, और ये वाला इधर मिला दूंगा तो मेरा ये प्लस कंप्लीट हो जाएगा ग्रीन से, ठीक है। ग्रीन से मेरा प्लस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है आपको, फिर से मैं एक बार एक और बात समझा देता हूँ। आप चाहे तो इस ग्रीन को भी नीचे ले जाकर डाउनवर्ड में, मतलब डाउन में रखकर आप इससे प्लस बना सकते हैं नीचे ही। ये देखिए यहाँ पर अभी प्लस बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह चाहो तो आप फ्रंट में भी रखकर इसे प्लस बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने फ्रंट पे रख के बना लिया। उसके बाद क्या करना होगा आप लोगों को कि इसे अब फ्रंट बनाना होगा, जो हमारा येलो सेंटर है जिससे हमने प्लस बनाया था, इसे अब फ्रंट बनाना होगा हमें, ठीक है। ये मैंने प्लस बना लिया, अब इसे मैं बनाऊंगा फ्रंट। तो क्या फ्रंट करने के बाद अब आएंगे अपन इस एल्गो पे, लेफ्ट फेस कन्वर्ट टू दी फ्रंट एंड अप्लाई द एल्गो। लेफ्ट फेस को हमें फ्रंट फेस में कन्वर्ट करना, ये हमारा लेफ्ट फेस है, येलो को मैंने अपना फ्रंट बनाया अभी, इसलिए ये कौन सा होगा, जी हाँ ये हमारा लेफ्ट होगा। तो इसे अब मैं क्या करूंगा, करूंगा कन्वर्ट किस में करूंगा, फ्रंट लेयर में। तो इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया फ्रंट लेयर में। अब वो एल्गो क्या कह रहा है कि आर को ऊपर करो, मैंने आर को ऊपर किया। वो कह रहा है यू को पीछे करो, मैंने यू को पीछे किया। वो कह रहा है आर को नीचे करो, मैंने आर को नीचे कर दिया। तो यहां से एक काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, कोई एल्गो अब है नहीं, काम कंप्लीट। नेक्स्ट अगेन वो कहता है कि अगेन लेफ्ट फेस कन्वर्ट टू दी फ्रंट। अब ये मेरा फ्रंट है क्योंकि ये मेरा फ्रंट पे दिख रहा है, ये मेरा फ्रंट बन चुका है। अब ये क्या होगा, जी हाँ ये लेफ्ट ही होगा, ऑब्वियसली ये लेफ्ट ही होगा। तो इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है फिर से फ्रंट में। इसे मैंने घुमाया, रोटेट किया और कहां ले आया, फ्रंट पर ले आया, ठीक है। तो अब फिर यही एल्गो अप्लाई कर दो जो इसमें लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, लेफ्ट को ऊपर करना है। देखिए लेफ्ट को ऊपर करना है, लेफ्ट को ऊपर किया मैंने, यू को एक बार आगे बढ़ा दो, यू को सॉरी पीछे कर दो, एल को नीचे कर दो, एल को नीचे किया मैंने, ठीक है। अब वो कह रहा है आर को ऊपर करो, ये आर को ऊपर किया मैंने, यू को एक बार आगे बढ़ा दो, यू को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब वो कह रहा है आर को नीचे करो। तो आप सोच रहे होंगे क्यूब सॉल्व हो गया, मगर रुकिए रुकिए रुकिए, अभी क्यूब सॉल्व नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दो कॉर्नर और एक एज है वो अभी मिला नहीं है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक एज अभी भी अपनी पोजीशन पर नहीं है, इसे यहाँ और इसे यहाँ, इन दोनों के आपस में स्वैप होना था, मतलब अभी ये पूरा बना नहीं है। तो एक लास्ट हमारी एल्गो है वो सीख लीजिए, वो किस केस के लिए, ये PLL की एल्गो होती है हमारी फ्रेडरिक मेथड में। मैं आपको सभी बताऊंगा, फ्रेडरिक मेथड में कॉस होता है, F2L होता है, OLL होता है और PLL होता है। तो ये जो केस है PLL का है, टॉप लेयर का केस है। तो इसमें केस क्या रहता है कि राइट लेयर के जो हमारे दोस्त, राइट लेयर के जो दो हमारे कॉर्नर होते हैं, ये वाला और ये वाला, वो आपस में स्वैप्ड स्वैप फ्लिप्ड होते हैं, स्वैप्ड होते हैं। तो इसको यहाँ जाना होता है, इसको यहाँ जाना होता है। देखिए ये वाइट यहाँ लगेगा, ये राइट यहाँ पर लगेगा, ऑब्वियसली ये क्या है, ब्लू और ऑरेंज है, ये यहाँ पर लगेगा और ये यहाँ पर लगेगा, ये ब्लू और राइट यहाँ पर लगेगा। चाहे तो आप देख लीजिए टॉप लेयर का केस है, ये दोनों अपनी पोजिशन पर, ये दोनों अपनी पोजिशन से स्वैप्ड होंगे, और ये दोनों
अपनी पोजीशन स्वेप्ट होंगे। तो क्या करेंगे, इस वाली एल्गो को हम अप्लाई करेंगे। ये एल्गो क्या कहती है, अच्छे से देख लीजिए इस बार इस एल्गो को। एक बार मैं आपको एक बार और एल्गो का कंटेंट अच्छे से बता दूंगा लास्ट में, ठीक है? तो शायद आपने देख ली होगी, तो चलिए बताता हूँ। ये एल्गो क्या कह रही है, राइट को एक बार ऊपर कर दो, राइट को मैंने एक बार ऊपर किया, यू को पीछे कर दो, यू लेयर है इसको पीछे किया, आर को नीचे कर दो, आर को नीचे किया मैंने, यू को पीछे कर दो, यू को पीछे किया, यू को पीछे किया, आर को नीचे कर दो, ये आर को मैंने नीचे कर दिया। अब वो कह रहा है फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाना है, ये हमारी फ्रंट है इसको घुमाया मैंने क्लॉकवाइज, ठीक है? अब वो कह रहा है आर को दो बार ऊपर कर दो, ये मैंने आर को एक बार ऊपर किया और ये किया मैंने दो बार ऊपर, ठीक है? अब वो कह रहा है यू को एक बार आगे बढ़ा दो, ये यू लेयर है मेरी, इसको मैंने बढ़ा दिया आगे। अब वो कह रहा है आर को एक बार नीचे कर दो, या राइट लेयर को मैंने नीचे किया, वो कह रहा है यू को एक बार आगे बढ़ा दो फिर से, ये यू को मैंने आगे बढ़ा दिया फिर से, वो कह रहा है आर को फिर एक बार ऊपर करो, ये मैंने ऊपर कर दिया आर को। अब वो कह रहा है यू को पीछे कर दो, यू को पीछे किया मैंने, वो कह रहा है आर को नीचे करो, मैंने आर को नीचे कर दिया। अब फाइनली वो कह रहा है कि फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, मतलब एफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूं मैं। इस तरह हम लोग क्यूब जो है 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फटाफट क्यूब को स्क्रैम्बल करके सॉल्व करना सिखाता हूँ इसी अपने स्क्रैम्बल वाली ट्रिक से। ये स्क्रैम्बल की ट्रिक क्या है, डाउन को इधर, एल को इधर, आर को इधर, यू को इधर, एल को, यू को, आर को, एल को, यू को, यू, बी टू, यू टू, एफ, एल, आर टू, डी, यू टू, और ये मेरी, मैंने अभी स्क्रैम्बल कर लिया अपनी उसी वाली ट्रिक से। अब मैं क्या करूंगा, बस जो हमारा एल है उसको मैंने एक बार फ्रंट मान लिया, फटाक से इसको मैं क्या बनाऊंगा, प्लस बनाऊंगा। ये मैंने प्लस बना लिया, और देखिए यहाँ पर जो F12 के अकॉर्डिंग होता है एक्स क्रॉस, जो लोग कुछ लोग कहते हैं एक्स क्रॉस कुछ नहीं होता, प्लस के साथ हमारी जो F12 में होता है दो लेयर का जो अपना कॉर्नर और एज एक साथ पोजीशन पर आ जाता है, इस तरह हमारा एक्स क्रॉस भी बन जाता है। ये मैंने क्या किया, प्लस बनाया, और साथ में मेरा क्या बन गया, एक पेयर भी कंप्लीट हो गया। ये प्लस बनाया और एक पेयर कंप्लीट हो गया। इसी तरह फिर मैंने क्या किया, उसे अपना फ्रंट रखा, लेफ्ट को कन्वर्ट किया फ्रंट में, और फिर एल्गो लगाई, ये यहाँ पर भी एक पेयर लग गया, ठीक है? फिर मैंने लेफ्ट को कन्वर्ट किया फ्रंट में, एल्गो लगाई, एल्गो लगाई, ठीक है, सॉरी, हाँ एल्गो लगाई। ये देखिए यहाँ पर भी एक पेयर मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये फाइनली कौन सा पेयर बचा, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये वाला पेयर बचा है, उसके लिए भी सिंपल मैं एक एल्गो लगा दूंगा। तो मेरा जो ये देखिए, ये मेरा जो ये F12 वाला केस पूरा कंप्लीट हो गया। फिर आता है OLL, फिर आता है PLL। तो OLL मेरे को डायरेक्ट कंप्लीटेड दिख रहा है। OLL का मतलब होता है टॉप लेयर के सभी कलर को मैचेस करना, यहाँ टॉप लेयर के सभी कलर आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। और PLL का मतलब होता है कि साइड के राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक जिसके भी कलर है उन सभी को आपस में मैच कर रहा है। तो ये अभी मैच नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल इसमें अपनी PLL की एल्गो लगानी है। PLL की एल्गो लगा देता हूँ मैं, और इस तरह आप क्यूब को सॉल्व कर लेंगे। किस ये अब मेरी बेसिक आप लोगों को जानकारी थी कि किस तरह हम फिडरिक मेथड से केसेस को एल्गो को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं 5 या 6 सेकंड में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अभी 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां आपका मन हो वहां शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा आपके प्रॉब्लम का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।